नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वृंदा अपने सास ससुर को खाना देने के बाद देर रात गए अपने पति प्रभात के लौटने का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजे प्रभात नशे में झूमता हुआ घर आया। वृंदा ने बुझे स्वर में कहा, मैं आपका खाना लगा दूं? तो प्रभात ने उदास मन से कहा, नहीं यार, आज मैं फिर से जुए में हार गया। मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन तुम मेरे लिए भूखी प्यासी क्यों बैठी रहती हो? तुम खाना खाकर आराम से सो जाती। वृंदा का दिल तड़प उठा और वो कहने लगी, मेरा पति बाहर भटक रहा हो तो मैं सुकून की नींद कैसे सो सकती हूँ? प्रभात नाराज हो गया और कहने लगा कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तुम बस अपनी घर गृहस्थी संभालो, बाहर मैं क्या कर रहा हूँ वह मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। वृंदा ने दबी जुबान में कहा, आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने हो गए हैं, आप कोई और नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? तो प्रभात कहने लगा कि मुझे दूसरों का हुकुम मानकर काम करना अच्छा नहीं लगता है, और वैसे भी किस चीज की कमी है घर में जो मैं दूसरों की गुलामी करने जाऊं? बाबूजी की पेंशन मिलती है ना, सबको भरपेट खाना भी मिल ही जाता है, और क्या चाहिए तुम्हें? ये सुनकर वृंदा चुप हो गई। वैसे तो प्रभात वृंदा को जी जान से चाहता था, लेकिन शुरुआत से ही वह अक्खड़ स्वभाव का लड़का था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगा तो 10वीं के बाद से उसने पढ़ाई छोड़ दी। माता पिता को लगा कि वो उस पर दबाव बनाकर पढ़ाई तो नहीं करवा सकते, इसलिए उसके बड़े हो जाने पर उसके पिता दिनकर जी ने थोड़ी पूंजी लगाकर उसे घर के बाहर ही एक परचून की दुकान खुलवा दी। लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगा और कुछ महीनों में उसने दुकान भी बंद कर दिया। दिनकर जी प्राइवेट कंपनी में मामूली से चपरासी की नौकरी करते थे। धीरे धीरे उनके रिटायरमेंट का समय भी नजदीक आ रहा था। उन्हें बहुत चिंता होती थी कि उनके बेटे के भविष्य का क्या होगा। उनका बेटा दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था, जुआ खेलता था, सिनेमा हॉल जाता था, लेकिन काम करने के नाम से कोसों दूर भागने लगता था। एक बार दिनकर जी ने उसे अपने पास बिठाकर खूब समझाया और कहा कि देख बेटा, तेरी शादी की उम्र भी होने वाली है, कोई भी लड़की वाले बेरोजगार लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। तू जिंदगी भर कुंवारा ही रहना चाहता है क्या? यह बात सुनकर प्रभात सोच में पड़ गया। उसके सभी दोस्तों की धीरे धीरे शादी हो गई थी और शादी करने की इच्छा तो उसे भी थी, इसलिए उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है बाबूजी, अब दिन भर दुकान खोलकर बैठे रहना मुझे नहीं सुहाता है। कभी कोई ग्राहक आता है तो कभी नहीं आता है। मुझे तो दुकान पर बैठे बैठे नींद आने लगती है, इसलिए मैं जल्दी कोई काम ढूंढ लूंगा। और शादी करने के लिए प्रभात ने जल्दी ही एक ट्रेवल एजेंसी में ड्राइवर की नौकरी कर ली। उसे नौकरी करते हुए 6 महीने हो चुके थे। अब दिनकर जी को लग रहा था कि उनका बेटा सही रास्ते पर चलने लगा है। उसकी माँ यशोदा जी भी उसके लिए लड़कियां देखने लगी थी। जल्दी ही उन्होंने प्रभात के लिए वृंदा को पसंद किया। वृंदा के पिताजी की 4 बेटियां थी और 2 बेटे थे। वृंदा भाई बहनों में 3रे नंबर पर थी। वो गरीब परिवार की लड़की थी, इसलिए वृंदा के पिता ने खाता पीता घर देखकर प्रभात से उसकी शादी तय कर दी। जल्दी ही प्रभात और वृंदा की शादी हो गई। प्रभात तो पहली नजर में ही वृंदा को देखकर अपने होश खो बैठा था, क्योंकि वृंदा बहुत खूबसूरत थी। उसका दूध के जैसा उजला रंग, काली कजरारी आंखें और बड़ी बड़ी पलकें देखकर प्रभात उन नशीली आंखों में कहीं खो गया था। अपने दाम्पत्य जीवन के शुरुआत से ही प्रभात अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगा था। वृंदा भी खुद को बहुत खुश नसीब मानती थी कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। प्रभात के पास थोड़े बहुत रुपए भी जमा हो गए थे। अब उसे दिन दिन भर गाड़ी लेकर इधर से उधर घूमना अखरने लगा था। वो जब तब छुट्टी ले लेता था और घर पर पड़ा रहता था। इससे उसके मालिक ने नाराज होकर उसे काम से निकाल दिया। प्रभात भी नौकरी छोड़कर बहुत हल्का महसूस कर रहा था। अब वह दिन भर घर पर पड़ा रहता था, अपनी पत्नी के साथ समय बिताता था, खाना खाता था और शाम को दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता था। उसके फिर से पुराने रंग ढंग वापस लौट आए थे, और यह देखकर दिनकर जी और यशोदा जी और भी हैरान परेशान हो गए थे, क्योंकि शादी के बाद अब वह अकेला नहीं था, उसकी पत्नी की जिम्मेदारी भी उस पर ही थी। फिर भी प्रभात गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा था। इसी बीच दिनकर जी भी रिटायर हो चुके थे।
यशोदा जी और दिनकर जी ने बेटे को बहुत समझाया कि तुम कोई नौकरी ढूंढो, लेकिन वो उनकी बातों को अनसुना कर दिया करता था। यशोदा जी की बड़ी बेटी नलिनी का ससुराल भी उसी शहर में था। वो अपने पति और सास के साथ रहती थी और एक स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। उसका एक 10 साल का बेटा भी था जो उसी के स्कूल में पढ़ता था। उसकी सास बीमार रहती थी तो घर के काम करने के लिए एक बाई आती थी। एक दिन यशोदा जी की बेटी नलिनी घर आई और परेशान स्वर में उसने बताया कि माँ, मेरे यहाँ काम करने के लिए जो बाई आती थी वह अचानक से काम छोड़कर चली गई है। घर में काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। उस समय प्रभात भी आंगन में चारपाई पर लेटा हुआ कोई उपन्यास पढ़ रहा था। यशोदा जी ने बेटे को सुनाते हुए कहा, अरे तो तू परेशान क्यों होती है, बहू है ना, मैं उसे तेरे घर भेज दूंगी, बाई की जगह पर वह काम कर लेगी। ये सुनते ही प्रभात के कान खड़े हो गए और उसका ध्यान माँ की बातों की तरफ चला गया। नलिनी बोलने लगी, लेकिन माँ, वृंदा तो घर पर भी तो काम करती है, वो मेरे घर काम करने क्यों आएगी। यशोदा जी कहने लगी, तो क्या हुआ, यहाँ काम करने के बाद खाली ही तो हो जाती है, तब तेरे घर जाकर तेरे घर का काम भी कर लेगी और तेरी सास की सेवा भी कर देगी। तू आराम से जॉब कर बेटा, वैसे भी यहाँ तो बेटा बहू दोनों निकम्मे ही हैं, किसी काम के नहीं है। माँ की बात सुनकर प्रभात उपन्यास पटकते हुए अपने कमरे में चला गया और गुस्से में बैठकर सोचने लगा कि माँ यह क्या बकवास कर रही है, मेरी पत्नी मेरी दीदी के घर पर काम करने वाली बाई की जगह क्यों जाएगी। जब थोड़ी देर के बाद नलिनी चली गई तो प्रभात ने चिल्लाते हुए अपनी माँ को कमरे में बुलाया और उनके आते ही चीखते हुए कहने लगा, माँ तुमने ऐसा क्यों कहा कि वृंदा दीदी के घर काम करने जाएगी, क्या मेरी पत्नी की इतनी ही औकात है। तभी दिनकर जी भी उसके कमरे में आ गए और क्रोधित होते हुए कहने लगे, क्या गलत कहा है तुम्हारी माँ ने, और तुम अपनी माँ से क्या पूछ रहे हो, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की औकात क्या है यह मैं तुम्हें बताता हूँ। ससुर जी की तेज आवाज सुनकर वृंदा भी कमरे में आ गई थी और कोने में खड़ी होकर ससुर जी का रौद्र रूप देख रही थी। दिनकर जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले कि तुम लोग मेरी मेहनत से बनाए हुए घर में मुफ्त में रह रहे हो, मेरी पेंशन के रुपयों से पेट भर रहे हो, मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ और तुम औकात की बात कर रहे हो। अगर तुम्हारी माँ ने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी पत्नी नलिनी के घर जाकर काम करेगी तो उसे जाना ही होगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। इतना कहकर वह वहां से गुस्से में पैर पटकते हुए चले गए। प्रभात बिस्तर पर स्तब्ध सा बैठा रह गया। वृंदा भरे गले से बोल पड़ी, मम्मी जी ये सब क्या है, मैं सच में कोई बाई हूँ क्या जो आप मुझसे दीदी के घर का काम भी करवाएंगी। उसकी सासू माँ गुस्से से बोली, तुम्हारा पति भी कुछ नहीं कमाता है, अरे मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो तुम लोग, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो अपनी इच्छाओं को भूलकर बस हमारे हिसाब से चलना होगा। तुम्हें अपनी ननद के घर पर जाकर झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सारा काम करने के बाद खाना भी बनाना होगा और तब तुम्हारे काम के बदले में तुम लोगों को केवल 2 टाइम खाना मिलेगा। सास की बात सुनकर वृंदा तड़प उठी थी कि क्या अब उसके ये दिन आ गए हैं कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उसे अपनी ननद के घर जाकर बाई की तरह काम करना पड़ेगा। वह दुखी स्वर में बोली, मम्मी जी क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है, मैं घर की बहू हूँ, क्या उस अधिकार से मैं 2 वक्त के भोजन की हकदार भी नहीं हूँ, मैं इस घर का सारा काम तो करती ही हूँ ना। यशोदा जी गुस्से से बोली, देखो बहू अपने ससुराल में तो हर बहू काम करती है और 2 वक्त का खाना खाती है, लेकिन उसका पति कमा कर भी ले आता है, वो अपने पति की कमाई का खाती है, लेकिन तुम्हारा पति इतना निकम्मा है कि यह क्या तुम्हारे खर्च को उठा पाएगा, इसलिए अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को इस घर की रोटियां चाहिए तो उसकी कीमत तुम्हें ही एक्स्ट्रा काम करके चुकानी पड़ेगी, नहीं तो अगर तुम्हारा पति अपनी बहन के यहाँ जाकर बर्तन मांजने को राजी है तो इसे भी ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी यह यहाँ पर पड़ा पलंग तोड़ता रहता है, उससे अच्छा वहां जाकर तुम्हारी कोई मदद ही कर देगा। इतना कहकर यशोदा जी मुंह बनाते हुए वहां से चली गई और बाहर झूले पर बैठकर झूला झूलते हुए पान चबाने लगी। सास की कड़वी बातें सुनकर वृंदा फूट फूट कर रो पड़ी। प्रभात बिस्तर पर सिर झुकाए हुए बैठा था, उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे जिससे वो अपनी पत्नी को दिलासा दे पाता। माँ की कही हुई एक एक बात उसके कानों में गर्म बहते लावे के समान पड़ी थी जिसके कारण वह अभी तक सदमे में था। आज उसकी माँ की बातों ने उसके मन को आहत कर दिया था।
उसके स्वाभिमान को बहुत जोरों का आघात लगा था। वो अपनी रोती हुई पत्नी के पास आया और उसके कंधे को पकड़कर कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस तरह तुम्हारा अपमान होते हुए नहीं देख सकता। सब मेरी वजह से तुम्हें कितना सुना कर गए हैं। आज के बाद से मैं सबका मुंह बंद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें दीदी के घर जाकर बाई का काम बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वजह से मेरी पत्नी बाई का काम करे। वृंदा ने रोते रोते पति की ओर देखा तो प्रभात की आंखों में दृढ़ता देखकर वह सिहर उठी। प्रभात ने कहा कि तुम कमरे से बाहर मत निकलना, आज घर का कोई काम भी मत करना, मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। बरामदे पर उसे माँ दिखाई दी, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज करके मुंह फेर लिया। बेटे को घर के बाहर जाता हुआ देखकर यशोदा जी ने भी मुंह फेर लिया। प्रभात अपने दोस्तों के पास उस चाय की दुकान पर पहुंचा जहां वह अक्सर उनसे मिलता था। सारी वस्तुस्थिति के बारे में बताने के बाद मदद मांगते हुए कहने लगा कि यारो, मुझे अब उस घर में नहीं रहना है, वो लोग मुझे समझते क्या है। वो ऐसे ही मुझे और मेरी पत्नी को जलील करते रहेंगे और मैं सब कुछ सुनकर वहीं पर बेगैरत की तरह पड़ा रहूंगा क्या। तुम लोग मेरी मदद करो यार, कहीं मेरे रहने का इंतजाम कर दो, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूंगा और अपने घर वालों को दिखा दूंगा कि मैं खुद कमा कर अपनी पत्नी को खिला सकता हूँ। उसके दोस्तों को जब ये पता चला कि प्रभात सुधरना चाहता है तो वह सोचने लगे कि यह तो सही राह पर चलने की बात कर रहा है, अब यह हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो सभी दोस्त उससे पल्ला झाड़ने लगे और बहाना बनाकर एक एक करके वो खिसकने लगे। प्रभात को बड़ा झटका लगा कि दोस्ती निभाने के बड़े बड़े वादे करने वाले उसके दोस्त मुश्किल समय में उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह सिर पकड़कर वहीं बैठा हुआ था। उसे इस तरह बैठा हुआ देखकर चाय की दुकान वाले शंभू काका ने उसे चाय का गिलास लाकर दिया और बोले, बेटा क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। प्रभात ने दुखी स्वर में कहा, क्या बताऊं काका, जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो सभी साथ छोड़ जाते हैं। शंभू काका कहने लगे, क्या बात है बेटा, बताओ तो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। तो प्रभात कहने लगा, काका मुझे रहने की कोई सस्ती सी जगह चाहिए जहां मैं इज्जत के साथ अपनी पत्नी के साथ रह पाऊं, क्योंकि आज मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। आज मुश्किल समय में उसे सभी लोगों का असली चेहरा दिखाई दे रहा था, चाहे वो उसके माता पिता हो या फिर ये दोस्त। शंभू काका ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो बेटा, मैं अपनी खोली पर अकेला ही रहता हूँ, अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी के साथ मेरी खोली पर आकर रह लो। तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे आधा किराया दे देना। यह सुनकर प्रभात को यकीन ही नहीं हुआ कि एक चाय की दुकान चलाने वाले का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। उसने भरे गले से काका को धन्यवाद दिया और घर की तरफ चल पड़ा। आज उस पर एक ही धुन सवार थी कि उसे अपने माता पिता के सामने सिर उठाकर जीना है, सिर झुकाकर नहीं। वह सीधा अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी से बोला कि तुम अपने कपड़े और जरूरी सामान पैक करो, लेकिन मम्मी पापा का दिया हुआ एक भी गहना मत लेना, वो सब जेवर मुझे दे दो। वृंदा आश्चर्य से प्रभात की तरफ देखने लगी तो प्रभात ने झुंझुलाते हुए कहा, अब तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो, तुम्हें आत्मसम्मान से जिंदगी जीनी है या यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह रोज रोज अपमान ही सहती रहोगी। जो मैं कहता हूँ मेरी बात मानो, कोई सवाल मत करना, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मेरे साथ चलो। उस पल प्रभात वृंदा को दुनिया का सबसे मजबूत इंसान दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से अपने कुछ कपड़े बैग में पैक कर लिए और सारे गहने निकाल कर पति के हाथों पर रख दिए। फिर प्रभात पत्नी का हाथ पकड़कर माता पिता के कमरे में गया। वहां पर यशोदा जी मैगजीन पढ़ रही थी और दिनकर जी न्यूज देख रहे थे। बेटे को देखते ही उन्होंने मुंह फेर लिया। प्रभात ने गहने उनके पास रखते हुए रूखे स्वर में कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ, अब मेरे दो टाइम का खाना आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा और उसकी कीमत मेरी पत्नी बाई बनकर नहीं चुकाएगी। मैं कमाकर अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, मुझे आप लोगों के टुकड़ों पर पलने की कोई जरूरत नहीं है। यशोदा जी कहने लगी कि जब भूख सताएगी तब तुम्हें हमारी याद आएगी, अभी तो तुम बहुत अकड़ दिखा रहे हो, जब पेट की आग हद से ज्यादा बढ़ने लगती है तो सारी अकड़ ढीली पड़ जाती है, देखना दो दिनों में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। प्रभात को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन वो चुपचाप अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया। शंभू काका के पास आने के बाद प्रभात अगले दिन सुबह सवेरे काम की तलाश में निकल गया।
दोस्तों ने तो उसका साथ छोड़ दिया था, तो फिर समय बर्बाद करने का सवाल नहीं उठता था। बस अब उसे अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ खुद करना था। शाम तक दर दर भटकने के बाद उसे कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम मिल गया, लेकिन उसकी जेब में कुछ रुपए भी नहीं थे। उसे बहुत बुरा लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने घर से निकलते वक्त उसे खाने के लिए कुछ रोटियां बांध कर दी थी। जब उसने पोटली खोली तो रोटी के साथ एक चिट्ठी और कुछ रुपए भी थे। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने शगुन के रुपयों में से कुछ रुपए बचा कर रखे थे, ये तुम रख लो, तुम्हारे किसी काम आ जाएंगे। यह देखकर उसका मन भर आया कि उसकी पत्नी एक एक पाई किस तरह बचा कर रखती थी और वह कैसे अपने जुआरी दोस्तों के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद करता चला गया। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। उसका मन ग्लानी से भर उठा था। घर वापस लौटते समय उसने थोड़ा बहुत राशन पानी का सामान खरीद लिया था, जिससे कि शंभू काका पर बहुत भार ना पड़ जाए। आखिर वह भी तो गरीब व्यक्ति थे और उन दोनों का खर्चा कब तक चलाते। इसी तरह संघर्ष करते हुए किसी तरह एक महीना बीता। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहले महीने का राशन भरा और खोली का आधा किराया दिया। उसने शंभू काका को बहुत धन्यवाद दिया जो मुश्किल परिस्थिति में उन्होंने उसका साथ दिया था। धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर प्रभात ने 6 महीनों के भीतर ही कुछ बचत भी कर ली थी। अब उसने अपना अकाउंट खुलवा लिया था और बैंक में पैसे जमा करने लगा था। 2 सालों के अंदर उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि उसने अपनी पत्नी से सलाह करके हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। शंभू काका ने भी उसकी पूरी मदद की। अब दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर उस ढाबे में काम करते थे। वृंदा बहुत खुश थी कि उसका पति सही रास्ते पर चलते हुए जीवन जी रहा था और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रहा था। कुछ महीनों के बाद वृंदा के गर्भ में हलचल हुई और उसने ये खुशखबरी अपने पति को सुनाई। प्रभात भावुक होकर कहने लगा कि तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब मैं दिन रात और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने बच्चे को और तुम्हें खूब अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं आने वाली पीढ़ी को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊंगा। वृंदा के मुंह से निकल गया, हाँ, जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वह बेटा हो या बेटी हो, जब वह अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करेंगे तो हमें कितनी खुशी होगी ना। प्रभात उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला कि हाँ, बच्चे की सफलता देखकर माता पिता को अपनी परवरिश पर गर्व ही होता है। तभी वृंदा बोल पड़ी, लेकिन प्रभात, हमारे माता पिता के बिना हमारी खुशी अधूरी है। प्रभात मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ, तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ, बहुत दिनों से तुम मायके नहीं गई हो ना। तो वृंदा ने सकुचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता की बात कर रही हूँ। यह सुनकर प्रभात का मूड उखड़ गया और वो रूखे स्वर में कहने लगा कि उन लोगों ने तुम्हें नौकरानी बनाना चाहा, उन लोगों का नाम भी मेरे सामने मत लो। उन लोगों को तो मेरी 2 रोटियां भी भार लगती थी, तो फिर आज मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। ये सुनते ही वृंदा तड़पती हुई कहने लगी कि जिस तरह तुम अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, उसी तरह उन्होंने भी तुम्हारे बारे में सोचा था, लेकिन तुमने क्या किया, तुम गलत संगत में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, इसलिए मजबूरन तुम्हारे माता पिता ने कठोर व्यवहार किया ताकि तुम्हें झटका लगे और तुम सही रास्ते पर चलने लगो। यह सुनकर प्रभात हैरान रह गया। वृंदा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रुंधे गले से कहा, हाँ प्रभात, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी नजरों में बुरे बने। उस दिन जो कुछ भी हुआ था वह सब एक नाटक था ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी होता है, उसके बिना दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती है। पिताजी को चिंता हो गई थी कि जब तक वो हैं तब तक उन्हें पेंशन मिल रही है, उसके बाद हमारा क्या होगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें जीवन का सबक सिखाने के लिए उस दिन वो सब बातें कही थी। मैं भी सब जानती थी और इन सब में मैंने भी उनका साथ दिया। मैं आज भी उनसे फोन पर बातें करके तुम्हारा हाल समाचार बताती रहती हूँ। वो लोग बहुत खुश हैं कि तुम जिंदगी में सफल इंसान बन चुके हो। उन्होंने मुझे तुमसे अभी सारी सच्चाई बताने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम दोबारा गलत संगत में ना पड़ जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे पता है कि अब तुम कभी भी मेहनत की राह छोड़कर गलत दोस्तों की संगत में दोबारा नहीं पड़ोगे। और जबकि तुम्हारे माता पिता दादा दादी बनने वाले हैं तो उन्हें इस सुख से वंचित करना उचित नहीं होगा। अब उन्हें अपनी कठिन तपस्या का फल मिलना ही चाहिए और मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अब हमें घर लौट जाना चाहिए क्योंकि हमारे बुजुर्ग माता पिता हमारी राह देख रहे होंगे। पत्नी के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर प्रभात की आंखों से आंसू बहने लगे कि उसके माता पिता ने उसके जीवन को संवारने के लिए खुद कितने कष्ट सहे।
आज उसका बच्चा होने वाला है तो वो अपने बच्चे को सफल बनाने के सपने देख रहा है। उसके माता पिता ने भी तो कुछ सपने देखे होंगे, लेकिन वह निकम्मा बनकर उन पर बोझ बन बैठा। यदि उसके माता पिता उसे जिंदगी भर बिठा कर खिलाते रहते तो वह कब का बर्बाद हो चुका होता। उसने भरे गले से कहा, तुम ठीक कहती हो वृंदा, माता पिता से बढ़कर बच्चों की भलाई के बारे में और कौन सोच सकता है। मेरे माता पिता ने मेरी भलाई के लिए कितना कुछ झेला होगा, और मैं मूर्ख समझ रहा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूँ। चलो वृंदा, हम अभी घर जाएंगे। अब मैं अपने माता पिता की सेवा और देखभाल करूंगा और उनके जीवन को खुशियों से भर दूंगा, क्योंकि अब मैं भी आत्मनिर्भर हूँ। वृंदा ने पति के आंसू पोंछे और दोनों मिलकर घर जाने की तैयारी करने लगे। घर पहुंचते ही प्रभात बिना कुछ कहे सुने अपने पापा के गले लगा और काफी देर तक सिसकता रहा। उसके पापा की आंखें भी नम हो गई थी। वह समझ गए थे कि बहू ने शायद सारी सच्चाई बेटे को बता दी है। आवाज सुनकर यशोदा जी भी रसोई से बाहर आई और बेटे को देखते ही उन्होंने उसे प्यार से गले से लगा लिया। वृंदा ने जब उन्हें यह खुशखबरी सुनाई कि आप दादी बनने वाली हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज उनके बच्चे घर वापस लौट आए थे और उनका बेटा भी जीवन का सही मतलब समझ चुका था। उसके बाद सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे थे और वृंदा दिल से अपने सास ससुर की आभारी थी, जिनकी कोशिशों की वजह से आज उसका पति एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।